वी द पीपल, हम भारत के लोग। पूरी दुनिया जो संगठन के नियम, जितने भी ग्रुप के नियम हैं या जब लोग संगठित होते हैं उन नियमों को मानती है, उन पे चलती है। जो सफल संगठन है पूरी दुनिया के, या भारत में भी जो सफल संगठन है, वो सारे के सारे ही बुद्ध के नियम पर चलते हैं। बुद्ध ने दुनिया का सबसे पहला संगठन बनाया जिसको संघ बोलते थे, बुद्ध धम्म संघ। संघ में जिसमें उनके बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बाद में 50,000 से भी ज़्यादा करीब हो गए। वो नियम इतने ज़बरदस्त नियम हैं कि सारी दुनिया के धम्म सिखाने वालों ने या संगठन बनाने वालों ने वो नियम अडॉप्ट किए, वो नियम बुद्ध के बाद में चले। मगर भारत के जो श्रमण समाज के लोग थे, जिनके बुद्ध दादा थे या परदादा थे, वही उन नियमों को भूल गए, इसलिए उनके संगठन बन नहीं पाए। वो सारे संगठन यहाँ वी द पीपल में लागू किए गए हैं, जिसको विनय पीटक के नाम से जाना जाता है। विनय का मतलब है नियम और पीटक का मतलब है टोकरी, यानी कि नियम की टोकरी। भगवान बुद्ध ने कोई प्लान नहीं बनाया कि उनको कोई संघ स्थापित करना है या संघ बनाना है। उन्होंने तो बस जो जानकारी दुख को दूर करने की थी वो सीखी और सिखाने लगे। एक से दो, दो से चार, पाँच, फिर 60, और ऐसे करते करते वो बढ़ने लगे। वहाँ जो उन्होंने नियम दिए थे उनमें एक खास बात थी कि वो ऐसे भिक्कु और भिक्कुणी के लिए थे जो शादी नहीं करते। यहाँ चूंकि आप लोग ग्रस्त हैं, आपके बाल बच्चे हैं या आप शादी करेंगे, तो इसलिए कुछ नियम जो यहाँ कारगर हैं वो मैं यहाँ बता रहा हूँ विनय पीटक के, क्योंकि सारा इसी के आधार पर चलेगा। जो भिक्कुओं के बिल्कुल ऐसे नियम हैं उनको नहीं बता रहा, जो सिर्फ गृहस्थ छोड़ने वालों के लिए होते हैं। उद्देश्य सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। भगवान बुद्ध का उद्देश्य था कि जीवन में सुख शांति आए। यहां भी वही उद्देश्य है कि हमारे जीवन में सुख शांति आए। उस समय वो जो सीखने के लिए नया स्टूडेंट आता था, उसको सबसे पहले अपना मन साफ करना होता था। यहां भी सबसे पहले जो किसी को सिखाने जाएगा या जो सीखेगा उसका मन साफ होना चाहिए। अगर वो मन से साफ नहीं होगा, मन में कोई पाप, कोई चोरी, कोई व्यभिचार, कोई लालच, कोई क्रोध, कोई घृणा, कोई बदला, कोई भावना अगर ऐसा लेके आता है, तो वो अपना नुकसान ज़्यादा करेगा, हमारा कम करेगा, क्योंकि लोग उसे पहचान जाएंगे और वो कहीं का भी नहीं रहेगा। इसलिए मन सबसे पहले साफ करना चाहिए, क्योंकि आप सामने किसी को पढ़ाने और बताने जाने वाले हैं, आप टीचर बनकर जाने वाले हैं। उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हमें भी अपना वेलफेयर करना है, और वैसे ही करना है जैसे कि बुद्ध ने बड़े शांति के साथ में स्थापित कर सबका किया, सबका कल्याण किया। तो मन को साफ करने के बाद में आप सीखें कि कैसे सामने वाले से बात की जाती है, कैसे उसको देखा जाता है, कैसे जांचा जाता है, कैसे परखा जाता है। अपने साथियों को देखें, लगातार इस टच में रहें, प्रश्न करें, क्वेश्चन करें, कोई समस्या आती है तो बात करें। ये जब आपको जानकारी हो जाए कि हमें कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी है, तो बुद्ध 10 साल तक इस ट्रेनिंग के बाद में एक टेस्ट लिया करते थे जिसको उपसमदा बोलते थे। यानी कि वो भिक्कु से पूछते थे कि भिक्कु बताइए कि आपने क्या क्या सीखा है। सारे भिक्कु मिलकर पूछा करते थे, जो बड़े टीचर होते थे। कई बार ऐसे भी टेस्ट हुए हैं कि जब भिक्कु ने ये कहा कि मैं अब तैयार हूँ और पढ़ाने के लिए जाना चाहता हूँ गाँव में, शहर में, कस्बे में, तो एक बार भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि अगर आप वहां जा रहे हो और कुछ लोगों को जब पढ़ाओगे और वो आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आप क्या करोगे। तो भिक्कू ने कहा कि मैं दोबारा उनसे निवेदन करूंगा, दोबारा अपनी बात कहूंगा। तो उनसे कहा कि अगर आपकी बात नहीं सुनी और उन्होंने गाली बकी आपको तो क्या करोगे। तो भिक्कू ने कहा कि मैं समझूंगा कि उन्होंने मुझे गाली बकी, मुझे मारा नहीं, अच्छा किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने आपको मारा तो आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा, भिक्कू ने कहा कि अगर वो मुझे मारेंगे तो मैं इस बात के लिए शांति और संतोष रखूंगा कि उन्होंने सिर्फ मुझे मारा, मुझे जान से नहीं मारा। फिर भगवान ने कहा कि अगर आपको जान से मार दिया तो आप क्या करोगे। तो भिक्कू ने कहा कि मैं उनका आभारी रहूंगा, उनका एहसानमंद रहूंगा कि उन्होंने मुझे जीवन से, इस दुख वाले जीवन से मुक्त कर दिया। तो भगवान ने कहा कि आप परीक्षा में पास हो गए, अब आप लोगों को पढ़ाने जा सकते। यानी कि इतना कठिन काम था कि लोग पढ़ने को तैयार नहीं थे, गाली बकते थे,
डंडे मारते थे, मिट्टी के ढले मारते थे, उस समय ऐसे टीचर तैयार किए जाते थे जो इन सब बातों को सहन कर सकें। एक बार का उदाहरण, मैं करीब 25 साल पहले कुछ लोगों के पास गया कि उनको कुछ मैं बात बताऊं, अच्छी बात बताऊं, और उन लोगों को जब मैंने बात बतानी शुरू की तो वो मेरे पे हमलावर हो गए और मैं वहाँ से आ गया। तब मुझे समझ में आया कि सामने वाले का जो मेंटल लेवल है, जो स्टेटस है, जो उसकी बहुत ज़्यादा स्थिति इतनी ख़राब है, मानसिक रूप से इतना गुलाम है कि वो सही बात सुनने को भी तैयार नहीं है। यही बात बुद्ध के समय रही होगी कि उनका मानसिक स्तर इस कदर जकड़ा हुआ होगा, क्योंकि बुद्ध ने जो अपने शिष्यों से कहा कि 5 बातें पहले आप अपने मन को साफ करने के लिए इसको अच्छी तरह से सीख लीजिए। वो 5 बातें जो उन्होंने हर एक को सिखाई वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको चोरी नहीं करनी है। चोरी का मतलब है कि आपने काम की चोरी नहीं करनी है, लोगों को पढ़ाना या सिखाने की चोरी नहीं करनी है, आलस नहीं करना है, किसी भी हालत में किसी भी तरह की चोरी आपको नहीं करनी है। फिर आपको हिंसा नहीं करनी है। सामने वाला जिसको आप पढ़ाने जा रहे हैं अगर वो कुछ ऐसा बोलता है तो उसको गाली गलौच नहीं करनी है, या उसकी बात नहीं सुननी है, ऐसा नहीं करना है, उसकी पूरी बात सुननी है, या जोर जोर से बोल के उसको दबाना नहीं है, ये भी हिंसा में आता है। तो आप उसकी पूरी बात सुने, सारी बात समझें और ये देखें कि आप असफल कहाँ हो रहे हैं, वो आपकी बात को समझ क्यों नहीं पा रहा। तो अपने से बड़ा जो टीचर है उसको साथ लेके जाएं, अगली बार जाएं और बड़े टीचर को लेके जाएं। केस बिल्कुल ही खराब है तो उस पर समय खर्च ना करें, मगर गुस्सा ना हो, हिंसा ना करें। आप किसी भी हालत में व्यभिचार ना करें। व्यभिचार का मतलब है कि आप सिखाने किसी को जा रहे हैं, वहाँ आपने सिगरेट पीनी शुरू कर दी, शराब पीनी शुरू कर दी, आपने जुआ खेलना शुरू कर दिया, आपने जुए चोरी की बात करनी शुरू कर दी, या आपने कहा कि ये ठीक है कोई बात नहीं, तो ये व्यभिचार में आता है। या आपने वहाँ स्त्री की बात स्टार्ट कर दी, या कोई स्त्री है अगर सिखाने वाली तो उसने पुरुष की बात शुरू कर दी, अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, तो सामने वाला आपको टीचर नहीं मानेगा, वो आपकी बात सुनेगा नहीं। इसका मतलब बात आपकी कितनी भी अच्छी है मगर आप खराब है तो वो बात मानेगा नहीं। तो आपका व्यभिचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आप व्यभिचार के दिशा में कोई भी कदम आपका नहीं उठना चाहिए, ये बात है। इसके अलावा कहीं कोई ऐसा जो कर्म है जिससे आपके ऐसा लगता है कि सामने वाला उल्टा समझेगा या समझ नहीं पा रहा है, तो ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। उस समय शांत रहना चाहिए, व्यक्ति को देखते हुए शांत होना चाहिए। तो ये जो 5 सील का सिद्धांत है जिसमें हत्या नहीं करना है, यानी कि उसकी बात की हत्या नहीं करनी है, चोरी नहीं है, किसी भी काम चोरी वगैरह कुछ नहीं करनी है, संघ की चोरी नहीं करनी है, पैसे की चोरी नहीं करनी है, या नशा पता नहीं करना है, कोई शराब का, कोई अफीम का, कोई सिगरेट का, ऐसा नहीं करना है, या हत्या नहीं करनी है किसी भी तरह की, या व्यभिचार नहीं करना है, तो ये, और ना ही झूठ बोलना है, यानी कि आप किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहेंगे कि हमारा तो जो वी द पीपल है वो इतना बड़ा है, हम तो ऐसा कर देंगे, हम तो वैसा कर देंगे। जितना है, जितनी जानकारी है उतना ही बताइए, गप मत मारिए, क्योंकि गप मारने में और झूठ बोलने में बहुत सारे संगठन बर्बाद हो गए, जिन्होंने कहा कि हम 2009 में ये कर देंगे वो कर देंगे, 2019 भी चली गई, 2021 भी चली गई, कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने कहा कि पूरे देश में हमारा हर एक जिले में संगठन है और हर एक जिले में हमारे हजार हजार आदमी हैं, उनके सारे मिला के भी हजार आदमी नहीं हो पाए। जो कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय संगठन है और राष्ट्रीय संगठन को छोड़िए कि जब मुसीबत आती है तो 5 आदमी उनके साथ नहीं होते। जो कहते हैं कि हमें तो इतने बड़े बड़े लोगों का समर्थन प्राप्त है, उस हकीकत यह है कि जब उनको मुसीबत आती है तो उनके जो बड़े की तो बात छोड़िए, जो छोटे लोग हैं वो भी उनको नहीं मिलते। तो इस तरह का कोई गप, इस तरह की कोई झूठ या इस तरह की कोई अति बात ना करें। काम ईमानदारी से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, मगर झूठ बोल के करेंगे तो नहीं होगा। ये 5 बातें बुद्ध उनको बताते थे, और भी बहुत सारी बातें बताते थे, क्योंकि यहाँ भिक्कों की बातें हैं, उनको बताने का फायदा है नहीं। तो जब आप पूरी तरह से पढ़ के तैयार हो जाएं, समझ के तैयार हो जाएं, और आपके जो ज़्यादा जानकार हैं वो ये कह दें या अपने साथ ले जाएं आपको, क्योंकि भिक्कू जो बुद्ध थे वो हमेशा सीखने वाले को, जो सेखिए होता था, जिसको सामनेर बोलते थे उसको और भिक्कू के साथ भेजा करते थे, जहाँ वो देखता था और सीखता था और ट्रेनिंग करता था 10 साल तक। 10 साल के बाद उसका टेस्ट होता था जिसको उपसमदा बोलते थे, फिर वो अकेला जा सकता था सिखाने के लिए। 10 साल तक वो लगातार सिखाएगा, फिर वो बड़ा टीचर होता था, बड़ा भिक्कू बोलता था, जिसको महाथेर बोलते थे। तो इस तरह से सिखाने का नियम उन्होंने बनाया जब व्यक्ति खुद हो जाता। और
जो चौमासा लगता था, यानी जो वत्सावास जब बारिश का महीना आता था उस समय 4 महीने तक भिक्कू अपनी एजुकेशन बढ़ाते थे, एक साथ रह के वो सीखते थे और अपना ज्ञान बढ़ाते थे। सारा एक्सपीरियंस जितना भी वो सीखते थे वो एक दूसरे को बताते थे कहाँ दिक्कत आई, कहाँ परेशानी आई। तो आप जब सिखाने वाले जितने टीचर हैं वो बीच बीच में अपना बैठ कर बात करते रहे हैं, क्या दिक्कत आई क्या नहीं आई, अपने बड़े टीचर से पूछें और बड़े टीचर से पूछें, कोई ना कोई उसका आंसर बता देगा आपको, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। नहीं आंसर मिलता है तो विनय पिटक देखें, विनय पिटक पढ़ लें, उसमें मिलेगा। तो ये अपने आप को बढ़ाने के नियम थे। इसके अलावा अगर किसी ने पाप कर्म किया है, कोई नियम के विरुद्ध कर्म किया है, तो उसमें उसको दंड का भी विधान था, यानी बुद्ध ने दंड का भी विधान बताया है। जो सबसे बड़ा था वो ये था कि संघ को अगर कोई तोड़ता है, या किसी कोई टीचर किसी टीचर को मारता है, या अपने माता पिता को मारता है, या कहीं कोई ऐसी हत्या करता है, तो वो सबसे बड़े दंड थे। उस पर उनको पूरा का पूरा निकाला होता था, यानी संघ से हमेशा के लिए कलंकित करके निकाला जाता था। और भी छोटी छोटी गलतियों के संघ द्वारा आदेश दिए जाते थे, जिसको संघादेश बोलते थे, यानी कि आपने कोई संघ के विरुद्ध काम किया है तो सारा संघ मिलकर उसको पनिश करेगा कि आपने पनिशमेंट देनी है। वो नियम यहां भी लागू रहेंगे, वो नियम यहां भी आएंगे। जब भी कोई संघ के अगेंस्ट में काम करेगा या संघ को तोड़ेगा, उसको दंड उसी नियम से मिलेगा जो विनय के अंदर नियम भगवान बुद्ध ने निर्धारित किए हुए हैं, जो बताए हुए हैं। तो ये उनके अपने आप को ठीक करने की अपने आप को ट्रेनिंग थी। इसके अलावा वो एक ही तरह के कपड़े पहनते थे। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भिक्कू तो है नहीं, तो इसलिए सब अपने कपड़े पहन सकते हैं, मगर कपड़े शालीनता के साथ पहने और पूरे कपड़े पहने, क्योंकि जब आप जाएंगे कहीं और जाके सिखाएंगे तो कपड़े आपके ऐसे होने चाहिए जिसपे कोई प्रश्न ना उठाए। ये अपनी तैयारी का होता था। और आप जब जाएंगे कहीं और कैसे काम करेंगे बाहर जाने से, उसके नियम अलग थे। जब आप जाएंगे तो संघ में जाएंगे, संघ का मतलब है कि दो चार भिक्कू साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। वहां जाएंगे, जाके आपको पढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा, यानी कि पढ़ाने वाले को आप अपने यहाँ नहीं बुलाएंगे, आप उसके यहाँ जाएंगे जिसको पढ़ाना है। वहां बैठेंगे, वहां उसकी बात सुनेंगे, उसकी समस्या सुनेंगे, उसकी मदद करेंगे, फिर उसे पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद अगर वो आपको थोड़ा नाश्ता पानी देता है तो शालीनता के साथ ग्रहण करेंगे, और अगर वो कुछ मदद करना चाहता है तो संघ लेगा, इंडिविजुअल आदमी नहीं ले सकता, यानी इंडिविजुअल की कोई आइडेंटिटी नहीं, अकेला व्यक्ति नहीं ले सकता, और वो संघ में जमा होता है। तो यहाँ भी अगर आपको जाते समय कोई ये कहता है कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो वो संघ ही लेगा, एक व्यक्ति नहीं ले सकता। ऐसे नियम बाद में फाइनेंस वाले लोग बना के आपको देंगे। ये भगवान बुद्ध का नियम था, क्योंकि जो भी मदद करेगा, जो भी देगा, पढ़ाने के बदले में, पहले पढ़ाएंगे सिखाएंगे, उसके बाद तो वहां जमा होता था। बंद कमरे में नहीं पढ़ाएंगे, यानी कि आप जब जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि बंद कमरे में नहीं पढ़ाएं, खुले में पढ़ाएं। खुले का मतलब है कि वहां 10-20 लोग होने चाहिए। स्त्री को स्त्री ही पढ़ाएगी, कोशिश करें कि स्त्री को स्त्री ही पढ़ाए, वही समझाए। मगर अगर स्त्री या महिला को आपको पढ़ाना पड़े तो उनके परिवार के लोगों के साथ में कोशिश करें कि खुले में पढ़ाएं। ये बुद्ध के नियम है, बंद कमरे में कोई नहीं पढ़ाएगा, खुले में पढ़ाएंगे और सारी बातें जोर से बोलकर बताएंगे, कोई भी बात ऐसी नहीं है। जब आप किसी के यहाँ जाएंगे तो आपके उठने और बैठने के नियम हैं, यानी आप आराम से लेजी तरह से सोफे पर जैसे लुढ़क जाते हैं या टेढ़े पड़ जाते हैं, ऐसे नहीं बैठेंगे, सीधे बिल्कुल तरीके से बैठेंगे, क्योंकि आप टीचर हैं, आप उसको पढ़ाने आए हैं, आप उसको बाबा साहब पढ़ाएंगे, आप उसको बुद्ध पढ़ाएंगे, आप उसे समाज पढ़ाएंगे, आप उसे जो उसके वेलफेयर की चीज़ें वो पढ़ाएंगे, संविधान पढ़ाएंगे। तो टीचर का अच्छी तरह से बैठे होना जरूरी है। कोई वहाँ बेकार की बात की चर्चा नहीं करेंगे, जब आप टीचर हैं तो टीचर की ही बात करेंगे, उनका कोई पर्सनल बात है तो वो पर्सनल बात बाद में वो लोग करेंगे। ये टीचर के जो नियम हैं, ये नियम बड़े सरल हैं। जब आप टीचर हैं तो इसका एहसास होना चाहिए कि आप एक शिक्षक हैं, एक शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं। आप ये मान के चलें कि आप बुद्ध ही हैं और बुद्ध की तरह ही वहाँ व्यवहार करें और पढ़ाएं। आप ये मान के चलें कि आप अम्बेडकर हैं और अम्बेडकर की तरह ही वहाँ पर व्यवहार करें। आप ये मान के चलें कि आप कबीर हैं तो कबीर की तरह व्यवहार करें। आप ये मान के चलें कि आप गुरु रविदास के शिष्य हैं तो उन्हीं की तरह व्यवहार करें। आपका व्यवहार आपके पढ़ाने की गारंटी है कि वो माना जाएगा या नहीं। अगर आपने खूब दम लगा के 1 घंटे तक पढ़ाया और आपका व्यवहार बेकार है तो कोई नहीं आपकी बात मानेगा, बल्कि पीछे लोग हंसेंगे, अरे ये कैसा मास्टर था, अरे ये कैसी बुद्ध की बात बता रहा था, ये तो रोटी को चपड़ चपड़ के खा गया, ये तो 2 रोटी की बजाय 4 खा गया, देखो भरे पेट पे भी दूध पी गया, ये तो ऐसा था कि यहीं लेट गया, यहीं पड़ गया, इसकी तो भाषा बड़ी बेकार थी। वो बाद में लोग चर्चा करेंगे और आपका पढ़ाना बेकार हो जाएगा, कोई आपकी बात को मानेगा नहीं।
इसलिए जब आप पढ़ाएं तो अपने आचार व्यवहार, उठना बैठना चलना देखें, बिल्कुल एक टीचर की तरह अपना व्यवहार को करें, आम आदमी की तरह व्यवहार नहीं। क्योंकि जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो हमारा व्यवहार शिक्षक की तरह, सिखाने वाले की तरह, टीचर की तरह होना चाहिए। जब आप कहीं जाएं तो लालच से ना पढ़ाएं, यानी कि ये ना सोचें कि ये हमारे संघ को या वी द पीपल कुछ देगा, या मुझे कुछ खाने को देगा, या मुझे कुछ बांधेगा। अगर आपने ऐसा मन में रख के पढ़ाया तो आप पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि लालच आपकी पढ़ाई को रोक देगा, आपका ध्यान इसी बात पर रहेगा। इसीलिए जिन लोगों ने बाद में पैसे का नियम बांध दिया वो पढ़ा नहीं पाए, और इसीलिए ये संघ जितने भी थे वो खराब हो गए, शिक्षा खराब हो गई और सारा के सारे गुलामी दोबारा से आ गई। भगवान बुद्ध ने सबसे पहली नेटवर्किंग की थी। नेटवर्किंग मतलब उनके सिस्टम बने हुए थे कि जहाँ भगवान बुद्ध अपने भिक्खु संघ के साथ रहते थे, वो जहाँ अलग अलग छोटे छोटे भिक्खु संघ रहते थे, वो गाँव में, शहर में, कस्बे में, और वो एक दूसरे से अटैच थे, लिंक थे। पहले साधन तो थे नहीं, तो पैदल ही आना जाना पड़ता था। तो भगवान बुद्ध के पास समस्याएं आती रहती थी, इस गांव में ये हुआ तो भिक्खु आके बताता था या कोई उपासक आके बताता था, उसकी समस्या जाती थी, इसका ऐसे इलाज कर दो, इसका ऐसे कर दो, वो सारी चीज़ें वहाँ नेटवर्किंग के अंदर होती थी। एजुकेशन सभी की एक थी और फ्री थी, यानी कि जो आपने पढ़ाना है वो एक सा ही पढ़ाना है और उसके बदले में आपने कुछ लेना नहीं है। भगवान बुद्ध ने हर एक अपने जो पढ़ाने वाले टीचर थे उनकी कोई भी आइडेंटिटी जो पुरानी थी वो नहीं रखी, ख़त्म कर दी, यानी उनका नाम भी बदल दिया, उनके बाल वगैरह वो सब काट के जाते थे, कोई उनका श्रृंगार विंगार नहीं होता था जिससे उनको कोई आकर्षण ना रहे, और वो सब लगभग एक से रहते थे और किसी का कोई अपना नहीं होता था कुछ भी, यानी कि वो जो कपड़े पहनते थे वो भी संघ के होते थे। भिक्खुओं के लिए नियम ठीक है, मगर यहाँ भी आप ये मान के चलें कि जब आप पढ़ाने जाएं तो आप जो विदा पीपल की बात है या जो बुद्ध की बात है या जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बात कही है उसको ध्यान में रखते हुए आप उद्देश्य को पढ़ाएं, अपने आप को आगे ना रखें, यानी कि अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश ना करें। आपकी आइडेंटिटी खुद पे खुद बन जाएगी अगर आप अच्छा पढ़ाएंगे तो, उसकी आप चिंता ना करें, मगर आप अपने नाम के पीछे भागेंगे और पढ़ाने का काम पीछे रखेंगे तो ना आपका नाम आगे बढ़ेगा ना आपकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी। बुद्ध जब चले गए और ख़त्म हो गए तो बुद्ध के समय तक भी बुद्ध की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, लोगों ने उनकी आइडेंटिटी बनाई, उनका नाम बनाया, उनका नाम बुद्ध का धम्म जो था, धम्म का नाम ही बुद्ध पर रख दिया। मगर बुद्ध ने यह कहा था कि मेरे जाने के बाद ये जो धम्म है ये आपका रास्ता दिखाएगा, यही आपका टीचर होगा। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर की जो किताब है जिसको संविधान बोलते हैं वो हमें रास्ता दिखाती है, वो पूरी की पूरी एक तरह से बाबा साहब ही है, उन्हीं का विचार है, उन्हीं की किताब है, तो हमें उसी विचार पे चलना है, उसी किताब पे चलना है। सफलता की गारंटी 200% है, क्योंकि बुद्ध के संगठन की अभी तक भी गूंज पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में चलता है संघ का संगठन, भारत में अभी स्टार्ट हुआ है, चल रहा है। आप ये मान के चलें कि आप बुद्ध के संघ को दोबारा से बना रहे हैं उसके नियम के आधार पर, एक बार बना कर देखिए, जब पूरी दुनिया में इसमें कामयाबी है तो आपको कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके दादा के नियम हैं, आपके परदादा के नियम हैं, पूरी दुनिया लाभ उठाती है तो आप भी इस पर लाभ उठाइए। धन्यवाद।